बहादुरगढ़ बाईपास पर बालोर गांव के खेतों में अवैध रूप से बनाई गई पीवीसी मार्केट में आज भीषण आग लग गई। देखते ही देखते यहां करीब 45 गोदाम आग की चपेट में आ गए। लाखों रुपए का माल स्वाह हो गया। इतना ही नहीं, यहां रहने वाले मजदूरों का रोज़मर्रा का सामान भी जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पूरी तरह से भड़की हुई है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां अब भी आग बुझाने में लगी हुई हैं। बता दें कि दिल्ली में प्रतिबंध लगने के बाद वर्ष 2019 में प्लास्टिक व्यापारियों ने बहादुरगढ़ का रुख किया था। देखते ही देखते बहादुरगढ़ के कई गांव तक यह कारोबार फैल गया। यहां बहादुरगढ़ बाईपास पर गांव बालोर के खेतों में भी एक अवैध मार्केट है, जहां तकरीबन 45 गोदाम थे। प्लास्टिक, पॉलोथीन, रबड़, कपड़ा आदि कबाड़ यहां इकट्ठा किया जाता था। आज सुबह अचानक यहां आग लग गई। हवा के साथ आग तेज़ी से फैलती चली गई। यहां मौजूद बिहार के रहने वाले परिवारों ने अपनी झुग्गियों से भागकर अपनी जान बचाई। जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती, आग पूरी तरह से भड़क चुकी थी। आसमान में काला धुआं छा गया। आग के बीच धमाके भी होते रहे। दमकल कर्मचारियों को आग बुझाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा था। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। बता दें, बहादुरगढ़ का इलाके में पहले भी कई बार अवैध पीवीसी मार्केट में आग लग चुकी है। अधिकारियों द्वारा लगातार इन मार्केट को हटाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन ये दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। क्या हुआ, कैसे लगी आग? ये पीछे फेरे लगी है, अंदर फेरे। हम वहाँ गाड़ी में डीजल डाल रहे थे, हमने तब देखा, तब इतना धुआं उठा और फिर बढ़ने लगी, इधर को बढ़ी जाता था। फिर हम लोग बड़ा कोशिश करिए, अपनी मशीन चलाई, हमारे सर भी सब जने मशीन चलाने लगे। कैसे लगा भैया, कहीं लग गया? कहाँ लगी थी आग? कोने में। तो कोई लोग अंदर हैं क्या? अंदर कोई नहीं था। कितने लोग अंदर रहते थे? यहाँ 30 गोदाम 35 45 गोदाम। यहाँ 40 गोदाम है और हर एक में आदमी रहते थे। तो कोई नुकसान, कोई आदमी तो सारे बच के निकल गए क्या? सब बच गए। तो ये आग लगी कैसे, शुरुआत कैसे हुई? यहाँ पर 3-5 साल से सब कूड़ा कर जमा कर रहा था, पन्नी एलडी। एक आदमी का था 5 लाख 10 लाख के संपत्ति, और एक घर में आग कैसे लगा की लगा, उसके बाद सब मचाई घर में। कोई आदमी तो अंदर नहीं फंसा? नहीं, आदमी तो नहीं फंसा। खाने पीने का सामान बचा? कुछ नहीं, वरना बिछौना अपने लाने में नहीं पाए। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के।